दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि बियर की बोतलों से बने मंदिर के बारे में? नहीं। या फिर पेट्रोल और परफ्यूम बॉडी पर पड़कर ठंडा क्यों लगता है? क्यों? और कैसे आज भी हम डायनासोर का झूठा पानी पी रहे हैं? और आपको ये भी बताएंगे कि स्विट्जरलैंड में क्यों भूतों के लिए भी कानून बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, शराब को समाज में बुरा माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में जो पूरी तरह से शराब की बोतलों से बना हुआ है। है ना चौंकाने वाली बात। थाईलैंड के कुन्हा जिले के सिसाकेट प्रांत के इस बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाने में कुल 15 लाख बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर का नाम वटपामा चेदिकाओ है, जिसे बौद्ध धर्म के लोग चलाते हैं। दूर से देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मंदिर बियर की बोतलों से बना है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कांच से बनाया गया है। वाह, क्या सीन है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपने टॉम एंड जेरी कार्टून के बारे में तो सुना ही होगा। ये दोनों चूहे बिल्ली के खेल में हर समय एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। अब इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर नासा ने दो ऐसे ही सैटेलाइट बनाए हैं। नासा के इन सैटेलाइट्स को ऐसे बनाया गया है कि ये भी टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे का पीछा करते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से नासा ग्रेविटेशनल डिफरेंस को मापता है। इन दोनों के पीछा करने की इसी क्वालिटी की वजह से नासा ने इन दोनों का नाम टॉम एंड जेरी रख दिया है। क्या आपको भी टॉम एंड जेरी पसंद है? अगर हाँ, तो इनकी स्कूल जोड़ी के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि पेट्रोल या फिर परफ्यूम जब हमारी बॉडी पर पड़ता है तो वो ठंडा ठंडा सा लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, दरअसल होता ये है कि हमारी बॉडी हमेशा ही थोड़ी गर्म होती है। जब पेट्रोल या परफ्यूम हाथ या शरीर के किसी हिस्से पर गिरता है तो उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जैसे ही वो इस हीट को एब्जॉर्ब करता है हमें ठंडा लगने लगता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा पहाड़ है जिसकी सबसे ज्यादा फोटो खींची जाती है? कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। इस पहाड़ का नाम मैटरहॉर्न है, और ये पहाड़ स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर के पास है। और ये पहाड़ इतना ज्यादा सुंदर है कि लोग इसकी फोटो लिए बिना नहीं रह पाते। आप खुद इसे देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगे। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने 3 इडियट्स फिल्म में वायरस को दोनों हाथों से लिखते हुए देखा ही होगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये कारनामा कर पाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे ही टैलेंटेड इंसान के बारे में जो एक ही टाइम पर एक हाथ से ड्राइंग बनाता था और दूसरे हाथ से लिखता था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में से एक, लियोनार्डो दा विंची की। इतना ही नहीं, वो किसी भी वाक्य को बड़ी आसानी से उल्टे तरीके से लिख सकते थे। जैसे हमें शीशे में कोई शब्द उल्टा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक बीमारी है जिसमें लोगों के दिमाग में आवाजें सुनाई देती है। इस बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बहरे लोग जिन्होंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी, उन्हें जब ये बीमारी होती है तो क्या होता है? यानी बहरे लोग आखिर क्या सुनते हैं? आपको बता दें कि बहरे लोगों को जब यह बीमारी होती है तो वो कुछ सुनने की बजाय उसी साइन लैंग्वेज को अपने दिमाग में महसूस करते हैं, जिसके थ्रू वो लोगों से बातचीत करते हैं। है ना अजीबोगरीब फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारे अगले फैक्ट में हम आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी तरह के क्लाइमेट में बड़ी आसानी से रह सकता है। इसका नाम है टार्डीग्रेड। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि ये जीव किसी भी तरह के तापमान में भी जिंदा रह सकता है। -200 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस में भी ये जीव जिंदा रह सकता है। एक तरह से ये अमर जीव है जो सूरज के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहेगा। फैक्ट नंबर 8। आप कभी ना कभी छुट्टियां मनाने कहीं ना कहीं जरूर गए होंगे। लोग अपना मूड ठीक करने के लिए हिल स्टेशन से लेकर कई खूबसूरत जगहों पर जाते रहते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक फैक्ट की माने तो कोई भी इंसान सिर्फ 8 दिनों तक ही अपनी छुट्टियां अच्छे से एंजॉय करता है। उसके बाद उसका एंजॉयमेंट लेवल बेस पर आ जाता है। इसके बाद इंसान इन बेहद खाली दिनों से भी उब जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान के पास हमेशा कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए। बात तो सही है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले लोग सचमुच बहुत जुनूनी होते हैं। तभी तो इंडोनेशिया के इस इंसान ने अपनी पलकों से ही 1 टन से भी ज्यादा भारी कार खींच दी। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। मिली है चीन के यांग गुआंगी से, जिन्होंने अपनी पलकों से 1.5 टन की एक मर्सिडीज को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके लिए यांग ने पूरे 10 सालों तक ट्रेनिंग ली थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, दुनिया में अजब गजब चीजें होती रहती हैं, और इन्हीं में
शामिल है दुनिया भर में बनाए जाने वाले अजब गजब कानून। अब स्विट्जरलैंड के इस कानून को ही ले लीजिए। दरअसल स्विट्जरलैंड में एक कानून है, वो भी चुड़ैलों के लिए। ये कानून चुड़ैलों से कहता है कि वो 150 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ेंगी। है ना हैरान कर देने वाला फैक्ट। दरअसल इस देश के लोगों में चुड़ैलों और काला जादू को लेकर अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, इसलिए यहाँ इस तरह के कानून को बनाया गया है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप या फिर हम सभी आज जो पानी पी रहे हैं वो डायनासोर का झूठा पानी है तो आप जरूर हैरान हो जाएंगे। दरअसल इसके पीछे का फैक्ट ये है कि पानी इस धरती पर कभी बढ़ता या घटता नहीं है, बस इसकी फॉर्म्स बदल जाती हैं। यानी ये बर्फ से लिक्विड और फिर भाप में बदलता रहता है। यानी कि यही पानी हमेशा से धरती पर रहा है और इसे कभी डायनासोर ने भी पिया था और आज हम पी रहे हैं। तो टेक्निकली अगर देखें तो हम आज जो पानी पी रहे हैं उसे डायनासोर ने भी कभी पिया होगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आज इस कहावत को सही करने वाला साइंटिफिक फैक्ट हम आपको बताएंगे। दरअसल होता ये है कि जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को लोगों से शेयर करते हैं तो हमारे दिमाग के पास ये मैसेज आता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे शेयर किया जा रहा है, इसलिए दिमाग इसे काफी एक्टिव ढंग से स्टोर करता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को या जो भी आपने पढ़ा या सुना है उसे छिपाते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत काम की नहीं है और दिमाग भी उसे ढंग से स्टोर नहीं करता। इसलिए जो भी ज्ञान मिले उसे बांटते रहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने अच्छी सलाहें दी है। क्या बात है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आईफोन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन ब्रांड है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आईफोन को बनाने में कितने मेटल्स का यूज होता है। आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल में कुल 118 खनिज हैं और हमारी बॉडी में सिर्फ 30 एलिमेंट्स होते हैं, जबकि एक आईफोन में पूरे 75 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। यानी हमारी बॉडी से कुल 2.5 गुना ज्यादा एलिमेंट्स हमारे आईफोन में होते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने लेंस लेकर सूरज की रोशनी से कागज जलाने वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक पूरी ऐसी बिल्डिंग है जो बिल्कुल उसी लेंस की तरह काम करती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि लंदन में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसका नाम है वॉकी टॉकी। इस बिल्डिंग में लगे शीशे बिल्कुल लेंस की तरह काम करते हैं और तेज धूप में इसके कांच से रिफ्लेक्ट हुई लाइट जिस गाड़ी पर पड़ती है ये उसे भी पिघला देती है। इसी वजह से इस बिल्डिंग को ढकने तक की नौबत आ गई थी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों इस फैक्ट में हम आपको मिलाएंगे इंडिया के वुल्फ मैन से। मध्य प्रदेश के नान डेल्टा के रहने वाले ललित पाटीदार को एक रेयर कंडीशन हाइपरट्रिकोसिस है, जिसमें पूरे शरीर यहाँ तक कि चेहरे पर भी काफी बाल उग जाते हैं। आपको बता दें कि ये बहुत रेयर बीमारी है और लाखों में से किसी एक इंसान को ही होती है। ललित को इसकी वजह से शुरुआत में काफी दिक्कतें हुई, लेकिन अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थे वो अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आप हर बार की तरह बन जाते हैं ज्ञान की किताब। तो अगर आज के हमारे ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अमेजिंग लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।